देखो चैप्टर का नाम डिविडेंड पॉलिसी है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है जब हम लोग किसी बिजनेस में प्रॉफिट करते हैं और वो प्रॉफिट बिजनेसमैन लेकर चला जाता है तो भी हम लोग उसको प्रॉफिट कहते हैं। बट कोई कंपनी में, किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जब शेयर होल्डर लोग उस प्रॉफिट को आपस में बांटता है तो हम लोग उसको डिविडेंड कहते हैं। तो सोचो, एक कंपनी ने प्रॉफिट किया है 100 रुपीज। इस प्रॉफिट को जब 5 शेयर होल्डर, सोचो उस कंपनी में सिर्फ 5 शेयर होल्डर्स ही है, तो उस कंपनी में जब ये 5 शेयर होल्डर इस 100 रुपए के प्रॉफिट को बांटेगा आपस में, तो एक एक शेयर होल्डर को 20 रुपया मिलेगा। इस 20 रुपए को वो लोग कहते हैं हम लोगों को डिविडेंड मिला है। अब डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, बट क्वेश्चन ये है इस चैप्टर में कि जितना भी कंपनी अर्न करता है, ये 100 रुपीज, ये पूरा 100 रुपीज हम लोगों को शेयर होल्डर में बांट देना चाहिए या कुछ रुपए को हम लोगों को रिटेन करके रखना चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये होता है कि क्या 100 रुपीज का पूरा 100 रुपीज हम लोग पे आउट कर दे डिविडेंड की तरह, पूरा 100 रुपीज बांट दे, या पूरा 100 रुपीज रिटेन कर ले, मतलब डिविडेंड दे ही नहीं, पूरा 100 रुपीज अपना रिजर्व्स में डाल ले, या फिर कुछ पार्ट इसका पे आउट कर दे डिविडेंड की तरह और कुछ रुपए को रिटेन कर ले। तो इन तीनों में हम लोग करेंगे। पहला तो सवाल यहाँ पे ये आता है, तो अगर कोई कंपनी पूरा ही पैसा को डिविडेंड की तरह बांट देता है तो वो वाला कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके बिजनेस में 1,000 रुपया कैपिटल था, इस 1,000 रुपए के कैपिटल से वो 100 रुपया प्रॉफिट अर्न करता है तो वो पूरा ही 100 रुपया बांट देता है, तो उसका कैपिटल 1,000 का 1,000 ही रह जाता है। बट एक ट्रू बिजनेसमैन कौन होता है? जो 100 रुपीज में से सोचो 40 बांट देता है और 60 को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है। इससे क्या होगा? अब हम लोग का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो जो लोग कुछ रुपए को डिविडेंड की तरह बांट देते हैं, कुछ रुपए को रिटेन करते हैं, वो सबसे अच्छा आइडिया होता है। पूरा ही अगर हम रिटेन कर लेंगे, सोचो हम 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं देंगे, तो यहाँ पर अगर पूरा रुपया हम लोग बांट देते हैं तो फर्म का नो ग्रोथ होता है, फर्म का कभी ग्रोथ नहीं होगा। जितना कैपिटल से वो स्टार्ट किया है उतना ही कैपिटल उसका एंड तक रह जाएगा। अगर हम बोलेंगे हमको सिर्फ ग्रो पे ध्यान देना है, हमको सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हम 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं बांटेंगे, हम पूरा रुपया रिटेन कर लेंगे, हम पूरा 100 री इन्वेस्ट कर देंगे, तो उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस कंपनी से डिविडेंड ही नहीं मिलता है वो कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर अपना पैसा लगाना नहीं चाहेगा। तो कहने का मतलब है पूरा रिटेन करके रख लेना भी एक बैड आइडिया है। तो हम लोग सोचते हैं कुछ हम लोग बांट देंगे, कुछ हम लोग रख लेंगे। बट तो ये तो बात सिंपल है, इस तरह से ये बात खत्म हो जाता, पर आगे प्रॉब्लम क्या है? आगे प्रॉब्लम ये आ गया कि सबसे पहले इसके ऊपर तीन थ्योरी दिया गया था, तीन लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। पहला वॉल्टर ने, दूसरा गॉर्डन ने, और थर्ड था एमएम। तो वॉल्टर और गॉर्डन ने बोला है कि डिविडेंड देना और नहीं देने से शेयर के प्राइस को फर्क पड़ता है। मतलब ये लोग कहते हैं कि हम लोग डिविडेंड दे या नहीं दे, मतलब ये सारे मैटर से कि पूरा दे देते हैं, कि पूरा रख लेते हैं, कि थोड़ा देते हैं, थोड़ा रखते हैं, इन सारे डिसीजन से हमारे शेयर प्राइस को फर्क पड़ता है। वॉल्टर और गॉर्डन ऐसा कहते हैं, पर एमएम कहता है कि डिविडेंड से शेयर प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग डिविडेंड दे या नहीं दे इससे शेयर प्राइस अफेक्टेड नहीं होगा। तो वॉल्टर अपना तो ये दोनों डिविडेंड डिसीजन के फेवर में है। इन लोगों को लगता है डिविडेंड मैटर करता है शेयर प्राइस को डिटरमाइन करने में, इसको लगता है नहीं। पर डिटेल में वॉल्टर और गॉर्डन और एमएम क्या कहता है?
तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी है। डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजन। इफ द मैनेजमेंट डिसीजन टू पे हायर डिविडेंड देन द कंपनीज ग्रोथ रेट विल नॉट इंक्रीज। अगर कंपनी सोचेगा कि वो बहुत हाई डिविडेंड देगा तो उस कंपनी का ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं होगा। एंड इफ कंपनी विल पे लो डिविडेंड और नो डिविडेंड देन नो इन्वेस्टर विल अट्रैक्ट। अगर वो कोई भी डिविडेंड नहीं देगा, लो देगा या नहीं देगा, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो डिविडेंड, इसलिए डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन जरूरी है, क्योंकि मेरे को कंपनी का ग्रोथ भी करना है और मेरे को अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स भी चाहिए, इसलिए डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड का मतलब क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड जब कंपनी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे कर देता है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता बच जाता है उसको शेयर होल्डर में बांटता है। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर, जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है कंपनी उससे दो चीज करता है, पहला डिविडेंड बांट देता है या तो उसको रिजर्व्स में जमा कर लेता है। दो ही चीज करता है कंपनी प्रॉफिट बनाकर। तो डिविडेंड पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म का फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन, अगर हम लोग इसको रिजर्व की तरह जमा करते जाएंगे तो हम लोग का वेल्थ तैयार होता जाएगा, कंपनी का वेल्थ तैयार होगा, क्योंकि वो पैसा जमा कर रहा है, पैसा जमा करने से वेल्थ तैयार होता है। तो कुछ खास इसका बेनिफिट नहीं है, दो तीन ही बेनिफिट है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या है? पहला कैश डिविडेंड, डिविडेंड पैसे में दे देता है, मतलब सबको कैश दे देता है। कैश मतलब बैंक अकाउंट में डाल देता है। तो यह कैश का मतलब कैश, चेक, वारंट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ईसीएस, कुछ भी है। स्टॉक डिविडेंड होता है, शेयर्स दे देता है बदले में, मतलब जिसके पास 100 शेयर है और कंपनी को 10% डिविडेंड देना है तो कंपनी उसको अपना कंपनी का 10 शेयर दे देता है। बॉन्ड डिविडेंड होता है, जिसको स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहते हैं, ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बॉन्ड डिविडेंड को स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहते हैं। जब कंपनी के पास बहुत इनफ पैसा नहीं रहता है पर उसको डिविडेंड देना है तो कंपनी बोलता है कि अभी तुम ये बॉन्ड रखो, मतलब बॉन्ड दे देता है। कहने का मतलब है इसमें जिस तरह उसको शेयर्स दे देता है इसमें उसको बॉन्ड दे देता है। बॉन्ड का मतलब डिबेंचर। प्रॉपर्टी डिविडेंड इंडिया में ज्यादा कंपनी तो नहीं देता है, बहुत रेयर कंपनीज प्रॉपर्टी डिविडेंड देता है। इसमें कंपनी क्या करता है, सोचो तुमको मिलने वाला है 2 लाख रुपया, तो वो 2 लाख का तुमको अपना कोई एसेट दे देगा। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट होता है जिसमें हम लोग ऐसा करते हैं, सोचो एक कंपनी का पहले से 20 शेयर है मार्केट में, सोचो मेरे पास पहले से 20 शेयर है, तो वो क्या करेगा, और एक एक शेयर का मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज और फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा उस कंपनी में, 20 × 1000, मतलब 20,000 हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं। अब कंपनी क्या किया, स्टॉक स्प्लिट कर दिया, किस रेशियो में, 5:1 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया, तो शेयर्स हो जाएगा 5 × मतलब हो जाएगा ये 100 शेयर्स और ये प्राइस हो जाएगा बाई 1/5 मतलब 200 और फेस वैल्यू भी हो जाएगा 1/5 मतलब 2 रुपया, पर मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या रहेगा अभी भी 100 × 200 दैट इज 20,000। तो स्टॉक स्प्लिट करने से क्या होता है, मेरा नंबर सिर्फ बढ़ जाता है, पहले 20 शेयर था अब मेरे पास 100 शेयर है, पर मार्केट प्राइस मेरा 1/5 हो जाता है, फेस वैल्यू भी मेरा 1/5 हो जाता है, अल्टीमेटली मेरा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है। तो वही बात हम लिखे हैं, अ स्टॉक स्प्लिट इज द डिविजन ऑफ अ शेयर इंटू टू और मोर पार्ट्स। इट एड्स नो वैल्यू, वैल्यू तो मेरा नहीं बढ़ा, बट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स इन द रेशियो ऑफ द स्प्लिट, बट मेरे हाथ में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया। बाय स्प्लिटिंग द शेयर्स
द कैपिटल ऑफ द कंपनी डज नॉट इंक्रीजेस। स्प्लिट करने से कंपनी का पहले भी 20,000 शेयर ही था, 20,000 रुपया ही था, अभी भी 20,000 रुपया ही है। कैपिटल को कुछ नहीं होता है, बट ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस। फिर यहाँ पे हम वही एग्जाम्पल को लिखवाए हैं, रेशियो यहाँ पे 2:1 लिए हैं, इसलिए पहले शेयर्स था 20 रुपया, फिर वो बढ़ के हो गया 40 रुपया। ठीक है, 40 शेयर हो गया और रुपया हाफ हो गया, मतलब 500, फेस वैल्यू भी हाफ हो गया, तो प्रोपोर्शनल ओनरशिप इज अनचेंज्ड। मेरा जो ओनरशिप पहले था, आज भी मेरा ओनरशिप उतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक डिविडेंड जो हम लोग देते हैं, स्टॉक डिविडेंड उसका बेनिफिट क्या है। तो पहला है टैक्स बेनिफिट। जब हम लोग किसी को स्टॉक में डिविडेंड दे देते हैं तो इसका कोई भी हम लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फॉर द शेयर होल्डर। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है, पैसा ही दे रहे हैं पर डिविडेंड लेने का क्या बेनिफिट है। स्टॉक डिविडेंड मींस हम पैसा में ही ले रहे हैं, पर पैसा मिले चाहे जैसे भी ले, स्टॉक डिविडेंड मतलब शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड का क्या बेनिफिट है, लेने वाले को या देने वाले को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। पहला है, अगर हम तुम लोगों को डिविडेंड देते हैं तो हम कंपनी है, हम तो ऑलरेडी उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे दिए हैं, उसके बाद तुम लोगों को डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम लोग टैक्स में भी जानते हैं डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। तो बेसिकली डिविडेंड के ऊपर तो टैक्स वैसे भी नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए ये बेनिफिट है एक टैक्स रिसीव करने वाले को, शेयर होल्डर को ये बेनिफिट है। फिर कंजर्वेशन ऑफ कैश फॉर मीटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द कंपनी। वो क्या करता है, अगर डिविडेंड थोड़ा नहीं देकर थोड़ा सा रख लेता है, कंजर्व कर लेता है, बचा लेता है उस कैश को, तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट में काम आ जाता है, ये कंपनी को बेनिफिट है। डिविडेंड को नहीं देकर रिटेन कर लेने से बेनिफिट है। कैश डिफिशियंसी हैज बीन इग्नोर्ड। अगर कल को, अगर सोचो मेरे पास कैश नहीं है तो हम इस बार डिविडेंड नहीं बांटेंगे, हम अपना पहले कैश पोजीशन देख लेंगे। अगर मेरे पास इतना कैश नहीं है तो हम कैश में तुम लोगों को डिविडेंड नहीं देंगे, तो कैश का हालत सुधर पाता है। बुराई क्या है डिविडेंड का, शेयर होल्डर के लिए ये बुरा है कि स्टॉक डिविडेंड डज नॉट इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वेल्थ इससे नहीं बढ़ता है, क्योंकि डिविडेंड का वेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। वेल्थ इंक्रीज होता है जब हम लोग का शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, डिविडेंड देने से किसी का वेल्थ इंक्रीज नहीं होता है। टू कंपनी, कंपनी को क्या बेनिफिट है, स्टॉक डिविडेंड इज मोर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू कैश डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड ज्यादा महंगा क्यों पड़ता है, सोचो आज हम तुम लोगों को शेयर्स दे दिए डिविडेंड, तो क्या होगा। अगर तुम लोग को हम तुम लोग को देते, हमको तुम लोग को देना था 1,000 रुपीज, अगर कैश में होता तो हम चुपचाप 1,000 रुपया दे देते, पर हम क्या किए, तुम लोग को 100 शेयर दे दिए 10 रुपए का, मतलब 1,000 रुपया दे दिए। सोचो देने के बाद इस शेयर का प्राइस बढ़कर 20 रुपया हो गया, तो हिसाब से हम तुम लोग को कितना डिविडेंड दे दिए, 2,000। तो शेयर के केस में कैश डिविडेंड से ज्यादा महंगा पड़ता है स्टॉक डिविडेंड, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। अगर हम डिविडेंड बांट रहे हैं मतलब मेरे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है मतलब शेयर का प्राइस ज्यादा तो होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इसलिए एक्सपेंसिव पड़ जाता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, क्या क्या रीजन से हम लोग का डिविडेंड डिसीजन चेंज होता है। मतलब अगर हम अभी सोचे थे डिविडेंड नहीं देंगे, बाद में हम सोच रहे हैं डिविडेंड दे देते हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरा डिविडेंड डिसीजन चेंज हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मेरे पास हाथ में कितना फंड है ये बहुत मैटर करता है हम डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे। अगर मेरे हाथ में ज्यादा कैश नहीं है, फंड नहीं है, तो हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो इक्विटी इज इशूड डिविडेंड डिसीजन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो हम ज्यादा डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, ज्यादा इक्विटी नहीं। क्यों, क्योंकि इक्विटी, अगर हम इक्विटी इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड देना पड़ेगा और डिविडेंड एक्सपेंसिव हो जाता है इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे मैटर करता है हम डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हम इक्विटी इशू करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी एक क्वेश्चन है।
फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर, सेम ही बात है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और कैपिटल स्ट्रक्चर में। डेट इक्विटी रेशियो, अगर डेट ज्यादा होगा इक्विटी कम होगा तो हम डिविडेंड कम देंगे, अगर मेरा इक्विटी ज्यादा होगा तो हमको डिविडेंड ज्यादा देना होगा। तो डिपेंड करता है मेरा रेशियो हम क्या मेंटेन करते हैं। स्टॉक प्राइस, इट मींस मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, हायर डिविडेंड इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द डिविडेंड। जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देता है उसका मार्केट में उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट में गॉर्डन और वॉल्टर जीत रहा है, क्योंकि उन लोग बोला था डिविडेंड देने या नहीं देने से शेयर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये पॉइंट में वही बोल रहा है कि अगर ज्यादा डिविडेंड देंगे तो हम लोग के शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। फिर बोल रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इट इज बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। IRR होता है हम लोग को कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर और KR होता है खर्चा। तो अगर IRR ज्यादा है मतलब हम लोग का रिटर्न ज्यादा है खर्चा से, तो फिर डिविडेंड हम लोग को बांट देना चाहिए। मतलब इनकम ज्यादा हो रहा है, इनकम अगर 1,000 रुपया है, खर्चा हम लोग का 100 रुपया है, तो 900 रुपया अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हम लोग को डिविडेंड बांटना चाहिए। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, सम इंडस्ट्रीज हैव सीन फॉर इन्वेस्टर्स इन दैट केस दे पे डिविडेंड रेगुलरली। जो इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स को ज्यादा ध्यान रखते हैं, सोचते मेरा इन्वेस्टर खुश रहे, वो सब टाइप का कंपनी डिविडेंड हमेशा देता रहता है। जो सोचता है हमको किसी कुछ नहीं, हमको इन्वेस्टर को हमेशा हैप्पी रखना है, तभी तो मेरे पास हमेशा इन्वेस्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको डिविडेंड मिलेगा रेगुलरली। सम वांट्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी, दो टाइप का शेयर होल्डर होता है, एक चाहता है कि उसको बस डिविडेंड मिलता रहे। जैसे अगर मेरे तुम्हारे जैसा इंसान इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग को क्या मतलब कंपनी ग्रो करता है कि नहीं, हम लोग एक छोटे से शेयर होल्डर होंगे, हम लोग का डिविडेंड मिल जाए बहुत है। पर जो शेयर होल्डर बहुत मेन स्टेक लेके रखता है कंपनी में, उसको कंपनी का ग्रोथ से भी फर्क पड़ता है। अब इसके ऊपर मेन बात है थ्योरी, पूरा चैप्टर ही डिविडेंड थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। इररेलीवेंस थ्योरी है और रेलिवेंस थ्योरी, मतलब कुछ लोगों को लगता है डिविडेंड के ऊपर बात करना काम का बात है, कुछ लोगों को लगता है कि डिविडेंड के ऊपर बात करना एक इररेलीवेंट टॉपिक है। मतलब डिविडेंड इतना भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसके ऊपर बैठ के डिस्कशन करें, ऐसा लगता है इन दोनों को, सोलोमन को और MM को। इन लोगों को लगता है डिविडेंड इज इररेलीवेंट, कोई काम का चीज नहीं है, इतना डिविडेंड को इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत है, डिविडेंड डिसीजन को इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं है। पर गॉर्डन और वॉल्टर को लगता है कि डिविडेंड एक रेलिवेंट टॉपिक है, डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। तो क्यों लगता है MM मॉडल को कि ये एक बेकार, मतलब डिविडेंड इरेलीवेंस है, डिविडेंड का कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है डिविडेंड के ऊपर बैठ के हम लोग बात करें। तो इट वॉज प्रपोज बाई फ्रांस मोदिग्लैनी एंड मर्टोन मिलर इन 1961। MM अप्रोच इज इन सपोर्ट ऑफ द इररेलीवेंस ऑफ डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इन लोग को इसको लगता है, मतलब इन दोनों को, MM दो अलग इंसान है, MM को लगता है कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके ऊपर ये बोला है क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, ये अज्यूम किया है कि स्टॉक मार्केट एक कैपिटल परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो वेजिटेबल मार्केट है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जहां पे सभी का सेम सामान मिल रहा है, हम इसका खरीदे या उसका खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड ऑल इन्वेस्टर्स हैव ऑल इंफॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल, ये अजम्पशन है। MM को लग MM अज्यूम किया है कि मार्केट में सभी इन्वेस्टर रैशनल है, सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन है। दूसरा, नो टैक्सेस, इसके हिसाब अभी ये अज्यूम किया है कि टैक्स को बीच में मत लाओ, टैक्स सोचो नहीं देना पड़ता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ऑल इन्वेस्टर्स शुड बी फिनेंस्ड थ्रू इक्विटी ओनली, मान लो इन्वेस्टर लोग सिर्फ इक्विटी से पैसा लगाएगा, डेट में नहीं लगाएगा। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज, सोचो हम लोग को इक्विटी खरीदने या बेचने पे ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, ये सब अजम्पशन है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट,
इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस। अनसर्टेनिटी का कोई बात ही नहीं, मतलब इक्विटी में रियल में तो अनसर्टेनिटी है ना, मेरा पैसा डूब भी सकता है, पर ये अज्यूम कर रहा है कि मान लो मेरा पैसा कभी नहीं डूबेगा, मेरे को मेरा फ्यूचर प्राइस हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू MM मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिपेंड्स ऑन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इसके हिसाब से MM के हिसाब से डिविडेंड का कोई रोल नहीं है शेयर प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। मतलब उन दोनों को लगता है कि डिविडेंड ज्यादा देंगे तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, डिविडेंड कम देंगे तो शेयर प्राइस गिर जाएगा, पर MM को लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इररिलेवेंट है। एक्चुअली शेयर का प्राइस कंपनी के अर्निंग से बढ़ता है या गिरता है। अगर अर्निंग बढ़ाएंगे तो मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, अगर अर्निंग कम कर देंगे तो शेयर प्राइस भी गिर जाएगा, ऐसा MM बोलता है। इसलिए ये P0 जब निकालता है, मतलब शेयर का मार्केट प्राइस, तो ये फॉर्मूला रखता है P1+D1/P1+KE। ये फॉर्मूला याद रखो, पूछेगा एग्जाम में। इन सब का फॉर्मूला है अपना P0, मतलब प्राइस इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, P1 का प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, KE इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज कैपिटलाइजेशन रेट विच इज डिस्काउंट रेट। अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू डिविडेंड डिसीजन। अगर शेयर प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्म के वैल्यू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, तो ये फर्म के वैल्यू में कहीं पे भी डिविडेंड को रखा ही नहीं है अपने फॉर्मूला में, क्योंकि ये बोल रहा है डिविडेंड डिसीजन से फर्म के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो डिविडेंड को इररिलेवेंट मानता है, तो ये कहीं पे भी डिविडेंड को काम का नहीं मानता है। तो ये NPO मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है N+ΔN P1-I+E/1+KE। ये सबसे सम्स आएगा या फिर एग्जाम में ये फॉर्मूला दे देगा, ऐसा चार फॉर्मूला देगा, करेक्ट फॉर्मूला में टिक लगाना होगा। N का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स जो मेरे पास स्टार्टिंग में था, ΔN का मतलब है और कितना न्यू शेयर इशू किए, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, E का मतलब है अर्निंग्स, NPO का मतलब है, ये वाले पोर्शन का मतलब है वैल्यू ऑफ द फर्म, VF दैट इज वैल्यू ऑफ द फर्म। रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला है E-NB1। MM अप्रोच का फायदा क्या है? द मॉडल इज लॉजिकली कंसिस्टेंट। ये अपने मॉडल में डिफरेंट बात को नहीं लाया है, लॉजिकली सीधे एक बात बोल रहा है कि डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, सिर्फ अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है शेयर का प्राइस। इट प्रोवाइड्स अ सेटिस्फैक्टरी फ्रेमवर्क ऑन डिविडेंड पॉलिसी। लिमिटेशंस क्या है? वैलिडिटी ऑफ अजम्पशन आर क्वेश्चनेबल। ये जो अजम्पशन दिया है ना उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये दिया है मान लो टैक्स लगेगा ही नहीं, क्यों मान ले टैक्स लगेगा ही नहीं, टैक्स तो लगेगा। दूसरा बोल रहा है मान लो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, हम क्यों मान ले कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, इक्विटी खरीद बेच करेंगे तो ब्रोकरेज लगेगा ही। तीसरा बोल रहा है सारा इन्वेस्टर रैशनल है, रैशनल मतलब सब लोग एक जैसा सोचते हैं बट सारे इन्वेस्टर्स का सोच अलग होता है। फिर ये बोल रहा है कि सभी के पास फ्रीली सारा इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट का इंफॉर्मेशन जो बहुत जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें कंपनी का इंटरनल मैटर पता होता है, जैसे यस बैंक डूबने वाला है ऐसा जो बहुत बड़े बड़े लोग होंगे ऐसा उन लोगों को बहुत पहले ही पता चल गया होगा, पब्लिक को इंफॉर्मेशन थोड़ा बाद में मिलता है, तो सबके पास बराबर का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोगों के पास तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, तो प्रैक्टिकली ये वाला अजम्पशन भी उसका रॉन्ग है, तो उसका अजम्पशंस का वैलिडिटी क्वेश्चनेबल है। दिस मॉडल इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ अनसर्टेनिटीज। वो बोला मान लो अनसर्टेनिटीज है ही नहीं, हम लोग को कभी लॉस होगा ही नहीं, बट अगर अनसर्टेनिटी होगा तब इसका मॉडल किसी काम का नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्टर मॉडल में। वॉल्टर मॉडल का अजम्पशन है ऑल इन्वेस्टर्स आर थ्रू रिटेन्ड अर्निंग ओनली। जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से करेंगे, जो हम लोग के पास जमा किया हुआ पैसा रहेगा उसी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, न्यू शेयर इशू करके पैसा नहीं लाएंगे। जैसे MM क्या कर रहा था, न्यू शेयर भी इशू करके पैसा ला रहा था। वॉल्टर कहता है न्यू शेयर इशू करके कोई पैसा नहीं लाएंगे, जो हम लोग के पास पहले से पैसा है रिटेन किया हुआ है उसी से लाएंगे।
आर इज द रेट ऑफ रिटर्न एंड के इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोथ आर कॉन्स्टेंट। इसका कहना है मेरा रिटर्न भी कॉन्स्टेंट है, मेरा कॉस्ट भी कॉन्स्टेंट है, कुछ बढ़ेगा गिरेगा नहीं। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ये तो ये भी बोल रहा है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, मतलब जो वो बोल रहा था सारा इन्वेस्टर रैशनल रहेगा और सभी के पास फ्रीली सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, नो टैक्स ये भी बोल रहा है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट ये भी बोल रहा है, द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, फर्म अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता जाएगा, मान लो फर्म कभी बंद नहीं होगा। तो ये पी का फॉर्मूला रखा है अपना, ये पी मतलब प्राइस ऑफ द शेयर, ये अपना ये फॉर्मूला रखा है। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो में ये क्या समझा रहा है, अगर रिटर्न ज्यादा है, मेरा कॉस्ट कम है और हम 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं देते हैं तो वो ग्रोथ कंपनी है, मतलब मेरा रिटर्न ज्यादा है, हम मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है पर हम 0 डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड देते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पूरा फोकस कंपनी को ग्रो करने में लगा देते हैं, तो वो ग्रोथ कंपनी है। अगर मेरा रिटर्न कम है और मेरा कॉस्ट ज्यादा है तो हम पूरा डिविडेंड दे देंगे, अगर मेरा रिटर्न कम आता है परसेंट, यहाँ परसेंट का बात हो रहा है अमाउंट का नहीं, अगर मेरा 8% रिटर्न आता है और 10% कॉस्ट है तो मेरा जो भी प्रॉफिट आएगा हम उससे पहले डिविडेंड बांट देंगे, उसको डिक्लाइनिंग कंपनी कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही मेरा रिटर्न कम हो रहा है, कॉस्ट मेरा ज्यादा है, उस पे भी मेरा जो भी रिटर्न आ रहा है हम उसको बांट दे रहे हैं, तो वो डिक्लाइनिंग कंपनी होगा, नो ग्रोथ कंपनी होगा, वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगा। और अगर बराबर है तो पे आउट इज ऑप्टिमम, वो कांस्टेंट कंपनी है, ना ग्रो कर रहा है ना डिक्लाइन कर रहा है, वो कांस्टेंट है, जितना अर्न करता है उतना ही खर्चा हो जाता है उससे।